हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। और आज मेरे पास है Realme 2। आगे वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, और साथ में मिलेंगे आपको कुछ कैमरा सैंपल्स। और वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको मेरा ओपिनियन जिस प्राइस में आपको Realme 2 मिल रहा है, एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या फिर नहीं। Realme 2 का बॉक्स मिलता है रेड और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। ऊपर की तरफ बड़ा सा 2 लेफ्ट राइट में मिल जाता है Realme 2 लिखा हुआ, और ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाकी बॉक्स के पीछे तरफ मिल जाते हैं बाकी सारे डिटेल्स, जैसे कि फोन है मेड इन इंडिया, और यहाँ पे 3GB 32GB वाला वेरियंट है मेरे पास में। इसके अलावा 4GB 64GB वाला वेरियंट और भी आपको मिल जाता है। और बॉक्स के एक साइड में मिल जाते हैं आपको बॉक्स कंटेंट्स और प्राइस के डिटेल, जो है यहाँ पर 10,000 रुपए, लेकिन फोन आपको ये वाला वेरियंट 9,000 रुपए का, और 4GB 64GB 11,000 रुपए का मिल जाता है। बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। बाकी इस रैपिंग के अलावा यहाँ पर कोई सील नहीं दिया गया है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं फोन को। तो यहाँ पर फोन निकला भाई, निकल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है आपको एक और बॉक्स जिसके ऊपर Realme की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर इसके अंदर से मिल जाता है आपको एक बैक केस, और इसके अंदर से मिल जाता है आपको एक सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड। और जो बैक केस है एक सॉफ्ट टीबी वाला केस है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आ जाते हैं मेन फोन पर, तो अभी थोड़ी देर के लिए और रखते हैं साइड में, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर से और क्या मिलता है। तो यहाँ पर मिल जाता है आपको एक 5V 2A आउटपुट वाला चार्जर, जिसके ऊपर ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है, रियलमी का फ़ोन, ओप्पो का चार्जर। और यहाँ पर एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल जिसकी क्वालिटी अच्छी है। बाकी यहाँ पर से मिल जाता है आपको एक सिम इजेक्टर टूल। आ जाते हैं मेन फ़ोन पर, तो यहाँ पर है मेरे पास डायमंड ब्लैक कलर वाला ऑप्शन, और यहाँ पर सामने से कुछ इस तरीके से मिलता है। पीछे से यहाँ पर एक स्टिकर है, इसको हटा देते हैं। इसके अलावा डायमंड रेड कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, और वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो इस वीडियो के बाद दे दूंगा उसकी भी अनबॉक्सिंग, और आई बटन में वीडियो दे दूंगा, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पर मिल जाती है आपको एक नोच, वो भी 9,000 रुपये के प्राइस में। और नोच के साथ जो डिस्प्ले है उसका साइज़ है 6.2 इंचेस, और ये एक HD+ डिस्प्ले है, और राउंडेड कॉर्नर्स के साथ मिलती है, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 88.8%, जो कि OnePlus 6 से भी ज्यादा है। डिस्प्ले है 19:9 रेशियो वाली, और जो डिस्प्ले के अंदर PPI मिल जाते हैं वो है 271। साथ में डिस्प्ले के ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और व्यूइंग एंगल्स की बात करें तो अलग अलग एंगल्स से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कलर नेचुरल से ही दिखते हैं, ज्यादा फेडेड होते हुए नहीं दिखाई देते, सो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। बाकी फ़ोन के राइट साइड में मिल जाता है आपको एक पावर बटन, बाकी लेफ्ट में देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन सेपरेट, साथ में एक सिम ट्रे का स्लॉट, और सिम ट्रे मिलती है इसके अंदर से आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड के लिए, मतलब कि आप 2 सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड साथ में लगा सकते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे फ़ोन में तो आपको दिख जाएगा एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, माइक, 3.5mm का ऑडियो जैक, और एक स्पीकर ग्रिल। बाकी फ़ोन के ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो फ़ोन में पीछे की तरफ डायमंड कट वाला डिज़ाइन है, और जो बैक पैनल है ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ है। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप बिना बैक कवर के यूज़ करेंगे तो स्क्रैचेस तो आ ही सकते हैं, लेकिन बिना बैक केस के अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फ़ोन के पीछे की तरफ मिल जाता है आपको डुअल कैमरा सेटअप 13 मेगापिक्सल f2.2 एपर्चर के साथ में, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है f2.4 एपर्चर के साथ में, साथ में ऑटो फोकस भी मिल जाता है। फ़ोन के थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो Realme की ब्रांडिंग दिख जाती है। फ़ोन के फ्रंट में मिल जाता है नोच वाले एरिया में 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी कैमरा। बाकी Realme 2 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी Realme 1 में, तो Realme 2 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल गया है। बाकी फ़ोन यहाँ पर पूरी तरह से सेट हो चुका है, और बड़ा सा 5 आपके सामने है, मतलब कि आपका फोन जो है ColorOS 5 पर चल रहा है, और जो कि एक ओप्पो का कस्टम OS है और एंड्रॉइड पर ही बेस्ड है।
और जो इंटरफेस है आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से आपको मिलेगा। स्लाइड करेंगे राइट साइड में तो यहाँ पर आपको स्मार्ट असिस्टेंट मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स दे देता है। नोटिफिकेशंस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी फ़ोन के अंदर अबाउट में चेक कर लेते हैं तो फ़ोन के अंदर आपको दिख जाता है एंड्रॉयड का 8.1.0, साथ में आपको 3GB की रैम मिल रही है और 21.7GB मिल रहा है इस्तेमाल करने के लिए 32GB वाले वेरियंट में। कलरवेस का वर्जन है 5.1, सिक्योरिटी अपडेट है जुलाई का। प्रोसेसर है फोन के अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी वजह से हो सकता है आप इसे कंपेयर करेंगे रियलमी 1 से फिर बोलेंगे एक डाउनग्रेडेड वेरिएंट है रियलमी 1 का, तो नहीं, यहाँ पर रियलमी 2 एक अलग फ़ोन है जो कि रियलमी 1 से बिल्कुल अलग है। डिस्प्ले भी यहाँ पर रियलमी 1 में मिलती थी फुल HD और यहाँ पर केवल HD डिस्प्ले है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट किस तरीके से काम करता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह फिंगरप्रिंट लगाया और फटाक से अनलॉक हो गया, काफ़ी फास्ट है। और फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी यहाँ पर काफ़ी फास्ट है। अभी के लिए आप देख रहे हैं स्लाइड टू अनलॉक वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑन है, तो सिंपली मुझे स्लाइड करना पड़ रहा है और अगर आप इसे चाहें तो टर्न ऑफ कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका जो फ़ोन है आपको लॉक स्क्रीन नहीं दिखेगा, फेस अनलॉक अगर ऑन है तो सिंपली पावर बटन को टच करेंगे तो डायरेक्टली ही आपका मेन स्क्रीन पर आ जाता है। फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है। और अब एक अलग एंगल से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये काम करता है। जब मैं देख रहा हूँ तो फटाक से अनलॉक हो जा रहा है, नहीं देख रहा हूँ अनलॉक नहीं हो रहा है, देखा तो अनलॉक हो गया। बाकी बैक कवर को लगा देंगे तो फ़ोन आपका दिखेगा कुछ इस तरीके से, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको लगा कर ही इस्तेमाल करें तो शायद बैक पैनल आपका सेफ रहेगा। बाकी फ़ोन तो बिना बैक कवर के ही अच्छा दिखता है। बाकी कैमरा के अंदर यहाँ पर आपको फोटो, वीडियो, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट और पैनोरामा के ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ में AI वाले स्टिकर्स भी मिल जाते हैं जिनको आप फोटो और वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 2x जूम का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा सेल्फी में आपको AI ब्यूटिफिकेशन मिल जाता है, जहाँ पर कि आपको कुछ इस तरीके से सेल्फी मिल जाती है जिसके सैंपल आगे वीडियो में मिल जाएंगे। इस सब के अलावा आपको डेप्थ इफेक्ट भी मिल जाता है सेल्फी के अंदर, जिससे कि बैकग्राउंड जो है आपका ब्लर हो जाता है। बाकी मेन कैमरा भी यहाँ पर एक फोटो कैप्चर करके दिखा देता हूँ आपको, तो सिंपली यहाँ पर टैप किया और ये फोटो कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से आपको क्वालिटी मिलेगी इंडोर में। लाइट मेरे पास अभी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है। और यहाँ पर कुछ और सैंपल्स जो मैंने अनबॉक्सिंग के दौरान कैप्चर किए और एक इनडेप्थ कैमरा सैंपल्स का वीडियो अलग से लेकर आने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब और बेल आइकन टच करके रखिएगा, तो जैसे ही वो वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अभी के लिए आप देख पा रहे होंगे किस तरह के मुझे फोटोज मिले। तो अभी के लिए जितना मैंने इस फ़ोन को इस्तेमाल किया है करीब 1 से 2 दिन, तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस Realme 2 के साथ काफ़ी अच्छा रहा। फ़ोटोज़ की क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोन। इस सब के अलावा बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज 4250 mAh की बैटरी मिल जाती है और 9000 रुपये के बजट में आप ज़रूर से इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। अब आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में आप इस फ़ोन को खरीदना चाहेंगे या फिर नहीं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी टच कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।